शरीर को चलाने के लिए धन चाहिए, आत्मा को जगाने के लिए ध्यान चाहिए। शरीर धन के पीछे भागता है और ध्यान आत्मा के जागरण की अवस्था है। आज हम धन को अपना मान के बैठे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन धन आपसे पीछे भाग रहा है। जिस धन को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो धन पानी की तरह आपके हाथों से निकलता चला जाता है। लोग कहते हैं, महाराज जी पैसा तो बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं है, क्योंकि वो टिकने वाली चीज नहीं है, वो सिर्फ दिखने वाली चीज है। देख देख कर कि हम उसे खुश होते हैं, उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं। एक व्यक्ति धन के लिए धूप में खड़ा रहता है, बरसात में खड़ा रहता है, ठंडी में खड़ा रहता है, हर प्रकार के कष्टों को सहन करता है, 24-24 घंटे धन के बारे में विचार करता है, लेकिन धन एक पल के लिए उसके बारे में विचार नहीं करता है। वह धन आपको बेचारा बना के छोड़ देता है। एक बार मन में विचार करो, आत्मा आपसे क्या चाहती है? इतना चाहती है कि थोड़ा सा ध्यान दो। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मैं आपके ध्यान से अटैच होकर के आत्मा का ध्यान बना करके आत्मा को परमात्मा के करीब तक पहुंचा दूंगी। जो आपके शरीर को चला रहा है वो कौन है? एक आत्मा है। जो आपसे शब्द बुलवा रहा है वो आत्मा है। जो दिखा रहा है वो आत्मा है। जो चला रहा है वो आत्मा है। इस शरीर की पूरी एक्टिविटी आत्मा के माध्यम से होती है, लेकिन एक बार भी इस आत्मा पर ध्यान नहीं जाता है। इस आत्मा के बारे में एक पल के लिए भी हम विचार नहीं करते हैं। हर दिन संसार के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन स्वयं के बारे में एक पल के लिए विचार नहीं आता है। सिर्फ मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, इस संसार में यदि हम आए हैं तो धन कमाने के लिए नहीं, ध्यान को जगाने के लिए, ध्यान को पाने के लिए आए हैं। हमने अनादि काल तक धन को खूब इकट्ठा किया। चक्रवर्ती के पास क्या कमी थी? राम के पास क्या कमी थी? कृष्ण के पास क्या कमी थी? रावण के पास क्या कमी थी? 24 तीर्थंकरों के पास क्या कमी थी? उन्होंने सारे धन को तिलांजलि दे दी, सारे धन को छोड़ दिया और स्वयं के ध्यान की ओर अग्रसर हो गए। जब वो स्वयं के ध्यान की ओर अग्रसर हुए तो जीवन भर के लिए सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो गए। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ मैंने आपके बीच में रखी हैं, बहुत मन के साथ लिखी हैं, आप उसे ध्यान से सुनेंगे। निज ध्यान में तल्लीन आत्म, आत्मा निज ध्यान हो, निज में निधि निति बस रही, बस ध्यान में श्रद्धान हो, बस ध्यान में श्रद्धान हो। देह की दहलीज छू कर, देह की दहलीज छू कर, देह की बस रम रहा, देह का जब दाह होगा तब निजातम कह रहा, न रहा घर द्वार तेरा। ध्यान से सुने, ध्यान के साथ सुने। न रहा घर द्वार तेरा, न कोई परिवार जन, बस अकेला चल अकेला, ए आत्मा है निज रतन। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। बस अकेला चल अकेला,
ए आत्मा है निज रतन है विदेही आत्मा, आत्मा का अमृत पान हो, निज में निधि नित बस रही, बस ध्यान में श्रद्धान हो, बस ध्यान में श्रद्धान हो, निज ध्यान में तल्लीन आत्म, आत्मा निज ध्यान हो। निज की निधि का ध्यान करो, जो आपकी सन्निधि में है, आपके सन्निकट है, जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ सकती है, जो सदैव आपके साथ रहने वाली है, 84 लाख योनियों तक आपका साथ निभाने वाली है, सिर्फ एक बार उस पर ध्यान दोगे तो यही ध्यान आपका आत्मधन बनेगा और जीवन भर के लिए सिद्ध सिरा पर आपको विराजमान करके आपको आत्मा के आनंद में अनुभव कराएगा। तो बस इतना ही ध्यान रखें, धन के पीछे नहीं, ध्यान के पीछे भागो। सब कुछ संसार की सारी निधि अपने आप आपके पीछे भागेगी। बस इतना ही ध्यान रखें, बस मुझे स्वयं पर ध्यान देना है, स्वयं के लिए जीना है, स्वयं के साथ रहना है। बस इतना ही साथ आपसे, आपको परमात्मा से मुलाकात कर देगी। प्रेम से सुना अनुभवी।